गहरा रिश्ता उनसे हो गया था, लेकिन अब वो जब अंकल रिटायर्ड हुए तो उनका ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र हुआ तो वो लोग शिवपुरी चले गए और हम लोग जो है यहीं रह गए। वो कभी कभी जो ऐसे रिश्ते होते हैं ना, जो खून के रिश्ते नहीं होते, तो वो खून के रिश्ते ना बहुत गहरे हो जाते हैं। कभी कभी खून के रिश्तों से भी ज़्यादा गहरे जो नाम के रिश्ते होते हैं ना, वो हो जाते हैं। तो बानो आंटी इतना प्यार करती हैं हमें, बहुत दिल से खाना खिलाया करती थी। अभी क्या हुआ कि मेरे जो क्लाउड किचन चलाती थी, तो मैं एक ऑर्डर देने गई मेरी फ्रेंड के इलाके, तो उसके भैया वगैरह भी सब थे। तो वो बानो आंटी को हम लोग याद करने लगे सभी, तो बोलते हैं कि बानो आंटी की याद मतलब कैसे किया है कि वो खाना इतने प्यार से खिलाती थी, बहुत प्यार से खाना खिलाती थी। अब ये फिर गाय मेरी दुश्मन के, पता क्या करना चाहती, मैं अब क्या करूंगी, बचाओ ना। वो तो गाय कुत्ते सब दुश्मन हुए जा रहे हैं। ये मेरी बेटी का कॉलेज भी दिखाई दूँ, कॉलेज है ये बरसा है, इसकी रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ है। मैंने तो पेंट होते ही पहली बार देखा है इसको। ये मेरी बेटी का कॉलेज है, घर के पास ही बिल्कुल, शासकीय पॉलिटेक्निक। मुंगा भैया तुम्हारा ये कॉलेज तो बिल्कुल घर के अड़वा ही है, और हमारे कॉलेज देखो इतनी दूर हुआ करता था, तो भी हम पैदल जाते थे, और पैदल जाने में ज़रा भी इसकी चाट नहीं करते थे ना, हमें शर्म आती थी। मज़ा आता था बल्कि पैदल में, और अच्छा लगता था। और बच्चे आजकल के मतलब, मेरा घर देखना भी इतनी सी दूर है बल, लेकिन उसको गाड़ी से ये यहाँ तक आने में भी, ऐसे बच्चे हैं हाँ आजकल के। हम तो दौड़े छूटे, पैदल हो तो पैदल, साइकिल हो तो साइकिल, स्कूटर हो तो स्कूटर, सब चला लेता था। आ गया साहब घर, स्कूल ही स्कूल है मेरे घर के आसपास। ये सेंट थॉमस स्कूल है, फिर सेंट थॉमस के बाद आएगा मेरे बच्चों का स्कूल तारा सदन, ऐसे स्कूल है। तो घर मैंने इसीलिए बदला नहीं, आसपास ही घर लिया कि बच्चों का स्कूल कॉलेज जो है पास रहेगा।